कह रहा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी अगर हमारा कोई प्राइम नंबर है ठीक है, एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, और पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे, देन पी डिवाइड्स ए, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो ए क्या है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको अगर मैं यहां पे जस्टिफिकेशन करूं, मतलब यहां पे कुछ मैं आपको करके दिखाता हूं इसको मैथमेटिकली, यहां पे आपको ये पी ए वेरिएबल के टर्म में है तो आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। तो यहां पे ए बोल रहा है कोई एक पॉजिटिव नंबर है और पी हमारा प्राइम नंबर है, तो मान लेते हैं ए हमारा वो पॉजिटिव नंबर 6 मान लेते हैं ठीक है, और 6 के प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या क्या होते हैं, तो 3 और इनटू में 2 होता है ठीक है। तो यहां पे ये कह रहा है पी अगर कोई प्राइम नंबर है और वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी डिवाइड करेगा ए को भी। डिवाइड करने का क्या मतलब है कि डिवाइड कौन करता है, जो उसमें प्राइम फैक्टर, जो उसमें प्राइम फैक्टर हो। तो यहां पे अगर ए स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर अगर पी होगा तो ए का भी फैक्टर पी होगा। तो यहां पे आप लोग देखिए हमने ए क्या माना, 6 माना, और 6 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 मिले, 3 और 2। अब देखिए तो मुझे ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर का क्या मतलब होगा, ए स्क्वायर का मतलब होगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर मतलब 6 के फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 2, तो इसका स्क्वायर, और इसके स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 2, यही होगा ना। तो यहां पे देख के आपको पता चल रहा होगा कि ए स्क्वायर में अगर मैं 3 फैक्टर बोलूं, कोई भी फैक्टर ले लो ए स्क्वायर का, कोई भी प्राइम फैक्टर्स, तो ए स्क्वायर के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए बच्चों, तो 2 ही आया, 3 एंड 2, यही हो ना, इसके अलावा तो कोई और प्राइम नंबर नहीं आ रहा ए स्क्वायर में। और यहां पे अगर मैं ए के प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, ए मेरा क्या था 6, तो यहां पे इसके प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो 3 एंड 2 ही होगा। तो यहां पे आपको देख के पता चल रहा होगा कि ए स्क्वायर के फैक्टर्स भी आपको 3 2 मिले और ए के भी फैक्टर्स आपको 3 एंड 2 ही मिले। तो यहां से सीधे समझ में आ रहा है कि अगर मैं 3 को कंसीडर करूं तो 3 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। इसी तरीके से 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, तो कर रहा है, यहां पे देखो 2 फैक्टर है। डिवाइड करने का मतलब समझ में आना चाहिए कि 6 2 के टेबल में आएगा, आएगा 6 यहां पे 3 के टेबल, 6 स्क्वायर जो है वो कितना होगा 36, तो 36 भी 2 के टेबल में आएगा। इसी तरीके से 36 हमारा 3 के टेबल में आएगा, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो 6 भी आएगा 3 के टेबल में। एक और एग्जांपल देख लो, ये हमने फर्स्ट देख लिया, कोई एक ऐसा नंबर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि जिसमें ऐसा नहीं हो, तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, आप लोग खुद भी करके देख सकते हो। अब मान लेते हैं ए का मैंने 15 ले लिया, ए मैंने 15 ले लिया, कोई भी इंटीजर बोला ना, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी, तो 15 पॉजिटिव इंटीजर है ले लो, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 5 और इनटू में 3। अब मैं ए स्क्वायर निकाल लूं, तो ए स्क्वायर निकालूंगा तो क्या होगा 15 का स्क्वायर। अब यहां पे 15 स्क्वायर देखिएगा तो 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 इंटू 3 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या होगा 5 इंटू 3 2 टाइम्स हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 5 और 3 ही फैक्टर आ रहा है, मतलब यहां पे इसके प्राइम फैक्टर्स ए स्क्वायर में क्या आ गया, प्राइम फैक्टर इसमें 5 एंड 3 आ गया, और इसमें भी प्राइम फैक्टर इसके 5 एंड 3 ही है, प्राइम फैक्टर्स इसमें भी 5 एंड 3 ही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर हमारे पास ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ए उसका हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसके स्क्वायर के जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो अगर कोई भी प्राइम फैक्टर को उठा लो, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो आपको ए को भी डिवाइड करेगा। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहाँ पे 5 और 3 दो ही इसके प्राइम फैक्टर हैं और इन दोनों में से कोई भी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, करेगा ही, है ना। अगर मान लो 7 वो ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो वो ए को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो भी प्राइम नंबर जो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तभी मैं आगे जो प्रूफ कराऊंगा वो प्रूफ आपको समझ में आ पाएगा, ठीक है।
तो ये थ्योरम को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ लेना। एक और पॉइंट पे देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों का कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। जैसे अब मान लो ए मैं ले लूं यहां पे, ए मैं ले लेता हूं मान लो 21 ले लिया, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 7 × 3, यही दो प्राइम फैक्टर होंगे। और ए स्क्वायर कर लेता हूं तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहां 21 का स्क्वायर, इट मींस 7 × 3 का स्क्वायर। और यहां पे देखो 7 × 3 × 7 × 3, इसका मतलब यही होता है। तो ये मेरा दो बार आ गया। तो यहां पे देख सकते हैं आप ध्यान से, ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए, प्राइम ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स हमारे 7 और 3 आ गए। ये प्राइम फैक्टर्स हमारे इसके 7 और 3 आ गए। और यहां पे अगर मैं देखूं इसके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो 7 और 3 ही है। तो इससे क्या पता चलता है कि ए स्क्वायर मतलब 21 स्क्वायर का अगर प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 7 और 3 है, मतलब 21 स्क्वायर को अगर 7 डिवाइड कर पाएगा तो 21 को भी 7 डिवाइड करेगा। ये समझ में आना चाहिए। इफ 21 स्क्वायर कितना होता है, 441। अगर 441 को 7 डिवाइड कर सकेगा तो 21 को भी 7 डिवाइड करेगा, इसका ये मतलब होता है। तो यहां पे देखो ए स्क्वायर मेरा क्या आ गया, ये 441 आ गया और ए मेरा यहां पे 21 है। तो अगर ए स्क्वायर को 7 डिवाइड करता है तो यहां पे देखो 441 डिवाइड बाय 7 कर दे, 7 कोई प्राइम नंबर है जो मानते हैं इसको डिवाइड करता है, तो देखो करते हैं कि नहीं। तो 7 वन जा और यहां पे 7 सिक्स जा 42 एंड 7 थ्री जा, है ना। तो यहां पे ये मेरा क्या आ गया 63, मतलब कि 441 को 7 ने डिवाइड किया। ये क्या था मेरा 441, तो ये 21 का स्क्वायर था, इसको 7 ने डिवाइड किया। अब 21 के स्क्वायर को डिवाइड किया तो 21 को भी डेफिनेटली 7 डिवाइड करेगा ही। देखो 7 वन जा और 7 थ्री जा, ये 3 बार में कर दिया। तो ये स्टेटमेंट है, ये जो थ्योरम हमने पढ़ा उसमें उसका कंक्लूजन आपको ये मिलेगा, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसी में ऊपर वाला देख लो, अगर यहां पे 15 का स्क्वायर क्या है, 25 है। तो 15 का स्क्वायर अगर 25 है, अब ए मेरा अगर 15 है तो ए स्क्वायर क्या होगा, 225 होगा, है ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो आप देखो 225 मतलब कि 15 का स्क्वायर अगर मेरा 5 से डिवाइड होता है, 5 प्राइम नंबर है, तो अगर 15 का स्क्वायर डिवाइड होता है, देखो कब होता है कि नहीं, 225/5 डेफिनेटली होगा, 5×5 5×20 और 25×25 तो 45 आया। इट मींस 5 ने 225 को डिवाइड कर दिया। तो अगर ये 15 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 15 को भी 5 डिवाइड करेगा, 5 वन जा और 5 थ्री जा, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब कि इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर ए स्क्वायर का कोई प्राइम फैक्टर है तो वो डेफिनेटली ए का भी प्राइम फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। ये बात समझ लेना, ये इसका कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन मैं यहां पर लिख देता हूं, नोट के टर्म में लिख देता हूं। इफ पी मान लेते हैं, कोई पी इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कोई नंबर है, ये ए मत, इसको इंटरलेट मत कर लेना, फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन पी इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। ये बात, ए स्क्वायर का अगर मेरा पी फैक्टर है तो पी हमारा ए का भी फैक्टर होगा, ठीक है। इससे ये पता चलता है।